हेलो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हम लोग देख रहे थे। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब सबको समझ में आ गया था, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द पेडंकल और फ्लोरल एक्सिस, उसको हमने बोला था इन्फ्लोरेसेंस। मैंने चार टाइप्स बताई थी, वैसे कॉमन दो टाइप होती है, साइमोज और रेसिमोज। मैंने आपको सोलिटरी बताई, रेसिमोज बताई, साइमोज बताई और एक स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हम लोगों ने देखी। उनमें से सोलिटरी हम लोग देख चुके, रेसिमोज की टाइप अभी चल रही थी, उसके बाद साइमोज एंड स्पेशल देखेंगे। एक बार आप लोगों का रिवीजन हो जाए, मैं सारे इन्फ्लोरेसेंस का एक चार्ट बताता हूं और फिर हम रेसिमोज की रिमेनिंग टाइप्स को देखेंगे। ये देखो, ये है अपने पास इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस। इस इन्फ्लोरेसेंस की टाइप्स अगर हम लोग देखते हैं तो ये देखो, जो मैंने बताई वो टाइप्स, फर्स्ट कौन सी टाइप देखी थी, सोलिटरी। और सोलिटरी में आप लोगों को मालूम है एक ब्रांच पे एक ही फ्लावर, और वो भी अगर उसके टर्मिनल एंड पे है तो सोलिटरी टर्मिनल और अगर उसकी लीफ की एक्सिस में है तो सोलिटरी एक्सिलरी। एक बात तो ये कंप्लीट हो गई सोलिटरी। उसके बाद हम लोगों ने एक टाइप देखी रेसिमोस, रेसिमोस में मैंने बहुत सारी टाइप्स आप लोगों को बताई। एक तो हमने देखी रेसिम, एक देखी स्पाइक, एक देखी पेनिकल, एक देखी हम लोगों ने स्पाइकलेट। इसके अलावा कैटकिन, स्पेडिक्स, कैपिटुलम, अंबल, कंपाउंड अंबल, पोरिम, कंपाउंड कोरिम, ये सारी इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोज की टाइप्स हैं। फिर हम लोग देखेंगे साइमोज में, ये साइमोज सिर्फ तीन टाइप, एक मोनोकेजियल जिसको हम यूनिपेरस भी कहते हैं, एक डाइकेजियल जिसको हम बाईपेरस भी कहते हैं, एक पॉलीकेजियल जिसको हम मल्टीपेरस भी कहते हैं। ये तीन टाइप साइमोज के। इसके अलावा लास्ट एक स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, और स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस मेन फीचर हो सकता है उस फैमिली का जिसमें वो मिलता है। देखो कौन कौन सी, एक साइथियम, एक वर्टिसलेस्टम और एक हाइपेंथोरियम। इस तरह से ये पूरा चार्ट आप लोगों के सामने है इन्फ्लोरेसेंस का। इसमें क्या क्या चीजें हम लोग देख चुके, देखो आप लोगों ने
सॉलिटरी देखा जिसमें दोनों टाइप्स कंप्लीट करी। रेसिमोज के लिए एक ही वर्ड बताया था जिसको ये पता हो, एक्रोपिटल अरेंजमेंट, वो रेसिमोज होता है, ओल्डेस्ट बेस पे यंग टुवर्ड्स टॉप एक्रोपिटल है। उनमें रेसिन हम लोग देख चुके, स्पाइक देख चुके, पेनिकल देख चुके और स्पाइकलेट भी देख चुके। आज हम लोग रिमेनिंग कैटकिन, स्पेडिक्स, कैपिटुलम और ये टाइप्स सारी देखेंगे। अगर मैं ये कैटकिन की बात करूं तो कैटकिन का नाम आते ही आप लोगों के दिमाग में मलबरी, सहतूत आ जाता है। इसका एग्जांपल है मलबरी, सहतूत और मोरस, उसका साइंटिफिक नेम है, जीनस है। कभी आप लोगों ने उस प्लांट पे मलबरी सहतूत को लगे हुए देखा हो तो उसकी पूरी इन्फ्लोरिसेंस जैसी एक ट्विग है, उस पे ऐसे पेंडुलस होती है। पहली चीज, इट इज फ्लोरल एक्सिस पिडंक। इस फ्लोरल एक्सिस पे ये देखो, ये ब्रांच थी और इस ब्रांच पे ये फ्लोरल एक्सिस, और इस फ्लोरल एक्सिस ये पेंडुलस टाइप की है, इस पे ये ओल्डेस्ट फ्लावर, इसके बाद ये यंग फ्लावर। तो ओल्डेस्ट बेस पे यंग टुवर्ड्स टॉप, ये देखो इस तरह के फ्लावर का अरेंजमेंट हो तो एक्रोपिटल तो हो गया, लेकिन फ्लावर सेसाइल है। सेसाइल हो फ्लावर, एक्रोपिटली अरेंज हो, तो उसको हम स्पाइक कहते हैं। और यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल हैं, और यूनिसेक्सुअल स्पाइक इनफ्लोरिसेंस को ही हम लोग कैटकिन कहते हैं। कभी ध्यान दिया हो आप लोगों ने मलबरी सहतूत को खाते हुए, तो जो फ्लैसी जूसी पार्ट है वो इसके पेरियंथ होते हैं। क्या होते हैं? पेरियंथ। और पेरियंथ का मतलब समझते हैं, जब सेपल पेटल सब एक ही वाल में मिलते हैं तो उसको पेरियंथ कहते हैं। तो ये इन्फ्लोरेसेंस हुई अपने पास कैटकिन की। कैटकिन के बाद जैसे हम लोग स्पेडिक्स की बात करेंगे, तो स्पेडिक्स का मतलब आप लोग समझने की कोशिश करना, ये अपने पास कोई स्टेम है ये रहा, और ये इसका बेसल पार्ट, ये बेसल नोड्स। तुरंत समझ गए होंगे कि कोई पोएसी का मेंबर है, ग्रेमिनी फैमिली है, जो क्लियरली नोड्स इंटर नोड्स में डिफरेंशिएट होती है और उस पे इस तरह की लीव्स लगी हुई होती हैं। ये देखो इस तरह की लीव्स लगी हुई होती हैं, और इसके बिल्कुल टॉप पे आप लोग देखोगे एक मेल फ्लावर्स का बंच है। ये मेल फ्लावर्स है और ये एक्सिस में, कभी आप लोगों ने ये कॉर्न, खासकर स्वीट कॉर्न या वो भुट्टा जिसको हम कहते हैं वो देखा हो मक्का का, तो वो यहां फ्लोरल एक्सिस में लगता है। ये देखो ये फ्लोरल एक्सिस, इसकी ये लीफ की एक्जिलरी पार्ट में इस तरह का, ये फ्लैसी फ्लोरल एक्सिस, ये फ्लैसी फ्लोरल एक्सिस। और इस फ्लैसी फ्लोरल एक्सिस पे देखो, वापस मैं बता रहा हूं, ओल्डेस्ट फ्लावर ये रहा और धीरे धीरे यंग फ्लावर टुवर्ड्स टॉप, ओल्ड फ्लावर बेस की तरफ। ये देखो ये पूरी की पूरी इनफ्लोरिसेंस आपने देखा होगा ग्रीन कलर की लार्ज ब्रैक्ट से कवर्ड रहती है। ये देखो ऐसे ये लार्ज ब्रैक्ट से कवर्ड है, ऐसे कवर्ड जिनको हम स्पेथ कहते हैं, और इस स्पेथ से यहां पे ऐसे स्टाइल और स्टिग्मा का बंच निकला हुआ होता है, गुच्छा निकला हुआ होता है। एनसीईआरटी में थोड़ी सी गलती आज तक भी चल रही है, वो वहां पे इस स्टाइल और स्टिग्मा के लिए एक वर्ड काम में ले रखा है, टेसल, जबकि अपने को मालूम है ये इन्फ्लोरेसेंस तो स्पेडिक्स टाइप की है। और इस मेल फ्लावर जो यहां लगते हैं, ये मेल फ्लावर जो पेनिकल टाइप के हैं, वास्तव में टेसल वर्ड तो इन मेल फ्लावर्स के लिए होता है।
जो पेनिकल टाइप के, लेकिन अपने एनसीईआरटी में आज भी इसको टेसल बोल रखा है, तो हम तो फॉलो इसको करेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो ये स्टाइल विद स्टिग्मा इज टेसल, वास्तव में मेल फ्लावर पेनिक टेसल। तो यहां पे स्पेडिक्स को अगर मैं वापिस बताऊं, यहां पे भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यहां पे भी सेसाइल फ्लावर्स हैं, यहां पे भी एट्रोपिटल अरेंजमेंट है, स्पाइक टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है। इसमें और इसमें फर्क ये है, ये पेंडुलस है, ये पेंडुलस नहीं है, इरेक्ट है। इसकी फ्लोरल एक्सिस फ्लैसी नहीं है, इसकी फ्लोरल एक्सिस फ्लैसी है, और इसमें स्पेथ नहीं है। यहां पे लार्ज ग्रीन ब्रैक्स को हम स्पेथ कहते हैं, और स्पेथ की वजह से ये इन्फ्लोरेसेंस स्पेडिक्स कहलाती है। और ऐसा बनाना में मेज में देखने को मिलता है, स्पेडिक्स टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। तो इसके साथ ही स्पेडिक्स भी अपने को पता चल गया। जब हम इस कैपिटुलम की बात करते हैं तो कैपिटुलम का नाम आते हैं, कैपिटुलम को देखो हेड भी कहते हैं, कैपिटुलम और हेड टाइप का इन्फ्लोरेसेंस कंपोजिटिव फैमिली का मेन फीचर है। कंपोजिटिव फैमिली का नाम आते ही आपके दिमाग में एक चीज और आ गई होगी, सनफ्लावर फैमिली, जिसको हम एस्टरेसी कहते हैं। और इसमें होता क्या है, जो रेसिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, देखना जैसे, या स्पाइक टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, या रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, ये देखो, जिसमें ये फ्लावर्स लगे हुए हैं एट्रोपिटली अरेंज्ड, ये देखो। और ये अगर कॉम्पैक्ट या कंडेंस हो जाए, ऐसे ये कंडेंस हो जाए, तो वो कैपिटुलम बन जाता है, हेड बन जाता है। कैसे, देखो मैं आप लोगों को बताता हूं कैपिटुलम हेड में होता क्या है। ऐसी एक ये डिस्क बन गई, ये इस डिस्क में ये जो बेस है, इस बेस पे लगे हुए होते हैं ब्रैक्स, और ब्रैक्स भी वर्ल में होते हैं, जिनको हम इनवोल्यूकर ऑफ ब्रैक्स कहते हैं। ये इट इज इनवोल्यूकर का मतलब होता वर्ल, इनवोल्यूकर ऑफ ब्रैक्स, ये ब्रैक्स का इनवोल्यूकर। यहां पे इस पेरिफेरल पार्ट पे फ्लावर्स लगे हुए होते हैं, ये देखो ओल्ड, क्योंकि कॉम्पैक्ट हुआ तो ये ओल्ड, बिल्कुल सेंट्रल डिस्क पे यहां पे यंग फ्लावर, क्योंकि ये ऐसे कॉम्पैक्ट हुआ तो यंग वाला यहां ओल्ड वाले साइड में ले जाते, पेरिफेरल पार्ट पे ओल्ड फ्लावर्स और सेंट्रल पार्ट की तरफ यंग फ्लावर्स। इन फ्लावर्स को ये इनकम्प्लीट होने की वजह से, क्योंकि इनमें आप लोग देखोगे सेपल्स आर मॉडिफाइड इनटू पेपस, हेयर लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाते हैं, तो ये तो कहलाते हैं डिस्क फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट। और पेरिफेरल पार्ट पे ये जो फ्लावर्स हैं, ये देखो, इनको हम कहते हैं रे फ्लोरेट्स, ये फ्लावर्स रे फ्लोरेट्स कहलाते हैं। तो इस तरह से डिस्क फ्लोरेट्स एंड रे फ्लोरेट्स में डिफरेंशिएट होते हैं, और सारे के सारे फ्लावर यूनिसेक्स होते हैं, सेसाइल है। यूनिसेक्सुअल मतलब रे फ्लोरेट्स, डिस्क फ्लोरेट में भी बाइसेक्सुअल, लेकिन ये सारे के सारे सेसाइल हैं। अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट में रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट में अगर डिफरेंस बताऊं, जैसे कोई पूछे कि मेरे को रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट में डिफरेंस बताओ, क्या बताओ? रे फ्लोरेट्स पहली चीज पेरिफेरी पे है, पेरिफेरल है, डिस्क फ्लोरेट्स आर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल डिस्क, दे आर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल, ये डिस्क पे प्रेजेंट है। दूसरी बात, जो रे फ्लोरेट्स हैं उनमें आप लोग एक और इंपॉर्टेंट चीज देखोगे, जाइगोमोर्फिक है। जाइगोमोर्फिक का मतलब भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जब फ्लावर्स पढ़ रहे होंगे, कि फ्लावर को केवल एक प्लेन से काटने से दो इक्वल हाफ होते हैं, उसको जाइगोमोर्फिक कहते हैं। जबकि ये डिस्क फ्लोरेट एक्टिनोमोर्फिक है, किसी भी प्लेन से काट लो टू इक्वल हाफ हो जाएंगे, एक्टिनोमोर्फिक टाइप के। तीसरी चीज, ये जो रे फ्लोरेट्स आप लोगों को दिख रहे हैं वो या तो यूनिसेक्सुअल होंगे,
और यूनिसेक्सुअल होंगे तो केवल और केवल पिस्टिलेट होंगे, मतलब फीमेल फ्लावर होंगे पिस्टिलेट, या फिर यूनिसेक्सुअल ना होके न्यूट्रल होंगे। कहने का मतलब मेल और फीमेल कुछ नहीं होगा, जबकि डिस्क फ्लोरेट वाले जो फ्लावर्स हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, दे आर बाइसेक्सुअल। इस तरह से ये इनमें डिफरेंस है जो आप लोगों को याद रखना, कंपोजिटी का मेन फीचर हो गया। अब अगर बात करूं मैं इस अंबल की, तो अंबल में ध्यान देना, हम लोग क्या देखते हैं कि ये एक ट्विग या फ्लोरल एक्सिस, और इस फ्लोरल एक्सिस के इस टर्मिनल एंड से पेरिफेरल फ्लावर्स निकलते हैं। देखो ये रे ओल्डेस्ट, दोनों तरफ ये पेरिफेरल फ्लावर्स ओल्डेस्ट, फिर ये यंग फ्लावर, ये देखो, और सेंटर में यंगेस्ट फ्लावर्स। लेकिन ये सारे के सारे देखो आप एक बार एक ही लेवल में आ गए, और इनके बेस पे भी जैसे हम लोगों ने इन्वोल्यूकर और ब्रैक्स देखा, यहां पे इनकी ब्रैक्स लगी हुई है। ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को हम नाम देते हैं कौन सी, अंबल। इसमें और कंपाउंड अंबल में कितना सा फर्क है आप देखना। जैसे मान लो मैंने ये एक मेन फ्लोरल एक्सिस बनाई, उसके ऊपर ये फ्लावर्स लगे, देखो ये रहे एक लेवल पे, और इनके ऊपर फिर फ्लावर्स लगे जो सारे एक ही लेवल में है, ये देखो, ये देखो। तो ऐसी इन्फ्लोरेसेंस को जिसमें सारे फ्लावर्स एक ही लेवल में लगे हों, ये देखो, हम उसको नाम देंगे कंपाउंड अंबल। तो अंबल, प्रेजेंस ऑफ अंबल और कंपाउंड अंबल इज द मेन फीचर ऑफ अंबेली फेरी फैमिली। नाम सुना आप लोगों ने अंबेली, ये इन्वोल्यूकर और इन्वोल्यूशन ऑफ ब्रैक्स हैं, ये कहलाता है कंपाउंड अंबल। और मेन फीचर किसका हुआ, फैमिली का नाम ही अंबेली फेरी इसलिए रखा है, अंबेली फेरी, इसको स्पाइस फैमिली भी कहते हैं, स्पाइस फैमिली। और इसी का नाम एपीएससी भी है, एपीएससी। इसके साथ ही अगर मैं आप लोगों को कोरिम्ब बताऊं, तो ये अपने पास फ्लोरल एक्सिस, इस फ्लोरल एक्सिस पे ओल्डेस्ट फ्लावर देखो ये रहा, फिर उसके बाद इससे यंग फ्लावर, फिर इससे यंग फ्लावर, और ये यंगेस्ट फ्लावर टॉप पे। लेकिन लेवल तो ये भी है, यहां पे पेडिसल आप लोग ध्यान से देखो छोटे बड़े हैं, पेडिसलेट है, यहां पे सारे पेडिसल भी एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट थे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से ओरिजिनेट है। इसको नाम देते हैं हम कोरिम। और ऐसा क्रूसीफेरी फैमिली के कैंडी टफ्ट, नाम सुना होगा आप लोगों ने कैंडी टफ्ट, जिसको हम लोग चांदनी या फिर साइंटिफिक नेम आईबेरिस एमारा कहते हैं, आईबेरिस एमारा, ना हमारा ना तुम्हारा, ये नाम है इस कैंडी टफ्ट का। इसमें कोरिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। लास्ट अगर इस रेसिमोज की एक टाइप में बताऊं, आप खुद पहचान जाएंगे, ये फ्लोरल एक्सिस, ये इससे निकली ब्रांचेज, ये देखो जो सारी एक ही लेवल में, और इनसे निकले फ्लावर्स वो भी सारे एक लेवल में, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये देखो, तो आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा कि इस इन्फ्लोरेसेंस को हम कंपाउंड कोरिम इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे। और ऐसी कंपाउंड कोरिम इन्फ्लोरेसेंस आप लोगों की सबकी देखी हुई है कि ऐसा किसमें होता है कंपाउंड कोरिम इन्फ्लोरेसेंस, पहचानने की कोशिश करो कि ऐसी इन्फ्लोरेसेंस किसमें होगी। तो जो कॉलीफ्लावर फूल गोभी आप लोग देखते हो, ऊपर से बिल्कुल ऐसी एक ही लेवल में दिखेंगे कॉम्पैक्ट, लेकिन कभी उल्टा करके देखो, मेन फ्लोरल एक्सिस ये, और उससे सारी ब्रांच सारे एक लेवल में निकले होते हैं, कंपाउंड कोरिम कहलाता है। और इसका एग्जांपल हो गया अपने पास ब्रैसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोटराइटिस, लेकिन आप लोग जानते हो कॉलीफ्लावर फूल गोभी में क्या खाते हैं, कॉलीफ्लावर में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फूल गोभी में केवल फूल नहीं खाए जाते, दैट होल इन्फ्लोरेसेंस कंपाउंड कोरिम इन्फ्लोरेसेंस इज एडिबल। तो इस तरह से हमारी ये रेसिमोज की
ये सारी टाइप्स हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। इसके बाद हम लोग देखेंगे साइमोज टाइप एंड स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस।